संविधान दिवस पर कांग्रेस ने की संगोष्ठी, संविधान निर्माता को किया याद, संविधान के पालन के लिए शपथ। कांग्रेस कमेटी द्वारा संविधान दिवस पर शनिवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में गोष्ठी का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने इस दौरान संविधान की रक्षा की शपथ ली। 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस दिन संविधान को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया था। कांग्रेस कमेटी के महासचिव देवेंद्र बुशहरी ने कहा कि संविधान को बनने में 2 वर्ष और 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और इस संविधान में देश के हर वर्ग और हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार दिए गए थे। इन मौलिक अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता से आधार पर ही भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और अपनी एक अलग पहचान लिए हुए है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और संविधान के पालन की शपथ भी ली गई। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। आज पूरे देश के अंदर संविधान दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बहुमूल्य योगदान से देश का यह संविधान बना। इस संविधान को बनने के लिए लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे और लगभग उस जमाने में 63 लाख रुपया जो है उसके संविधान को बनाने में और उसको छपवाने में खर्च आया था। और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान इस देश में लागू हुआ और ये देश एक गणतंत्र देश के रूप में जाने जाने लगा। अर्थ प्रकाश के लिए शिमला से देव की रिपोर्ट।